बिग बॉस 13 बाहर निकलते हिमांशी ने मारी पलटी, इस वजह से आसिम को नहीं करना चाहती डेट। बिग बॉस 13 में बीते हफ्ते असीम रियाज का कनेक्शन बनकर हिमांशी खुराना की एंट्री हुई। दो बार एंट्री करने पर आसिम ने हिमांशी को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हिमांशी का कहना है कि नेशनल टेलीविजन पर इतना बड़ा फैसला लेना अभी जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि अभी वो अच्छे दोस्त हैं। हिमांशी घर से बाहर आ गई और पहली बार उन्होंने इस पर मीडिया से बात की। वेब पोर्टल को दिए इंटरव्यू में हिमांशी ने कहा कि आसिम मुझे लेकर काफी सीरियस था। आसिम ने जब मुझे शादी का प्रस्ताव दिया तो मैंने उसे साफ कह दिया कि घर से बाहर जाकर कोई भी फैसला लेंगे। उसने मुझसे कहा कि वो बाहर जाकर कुछ बताना चाहता है, क्योंकि अभी मैं गेम में हूँ, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हिमांशी से जब पूछा गया कि आसिम का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं है, इस पर क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि मैं इस रिश्ते में नहीं पढ़ूंगी। मैंने आसिम को बताया था कि मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उनका परिवार इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं। अगर वो इस रिलेशनशिप के खिलाफ है तो मैं नहीं चाहती कि उनके बीच कोई दीवार आए। हिमांशी ने आगे बताया कि मेरी माँ आसिम को काफी पसंद करती है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो कुछ भी महसूस करती हूँ वो उससे बोल दूँ। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, परिवार की सहमति जरूरी है। कोई स्वीकार करे तो खुशी से करे, वरना कोई बात नहीं। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आसिम के भाई ने बहुत कुछ किया है उसके लिए। ऐसे में वो अगर बाहर निकलते तो अपने परिवार से लड़ जाए, तो मैं ये नहीं चाहती। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घर से दोबारा बाहर निकलते हिमांशी ने आसिम के भाई को ट्विटर और इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। हिमांशी के इस कदम से इतना तो साफ है कि दोनों के बीच कुछ अनबन जरूर है। इस बात का इशारा हिमांशी ने घर के अंदर भी दिया था, तब वो रश्मि से आसिम और अपने बारे में बात कर रही थी। हिमांशी ने रश्मि से कहा था कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन आसिम के किसी करीबी ने मुझे उसके प्रति अपनी भावनाएं जाहिर न करने को मना किया है। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।